दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, पर आप माने या न माने, इतिहास में ऐसी बहुत सी चीजें हुई है जिसके बारे में विज्ञान की समझ शून्य हो जाती है। फिर चाहे कूड़ा डालने वाली जगह पर नायाब चीजों का मिलना हो, या फिर एक शहर के बारे में सब कुछ बताने वाले स्टोन का अचानक से गायब हो जाना। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई है जिनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी समझ नहीं पा रहे। पर हाँ, आप चिंता मत कीजिए, जितनी भी जानकारी हम इन चीजों के बारे में ढूंढ कर लाए हैं वो आप सभी तक जरूर पहुंचेगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। स्कॉटिश घोस्ट विलेज। दोस्तों, फिल्म वगैरह में तो आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि जब कोई शैतानी साया आसपास होता है तो हवाएं तेज हो जाती है और तूफान आने लगता है। पर अगर हम कहें कि इस तरह की घटना असल जिंदगी में भी हो चुकी है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। स्कॉटलैंड के शेटलैंड आइसलैंड में मौजूद एक ब्रू नाम का फार्मिंग टाउन था, जहां पर 1665 में एक दिन अचानक से ही मौसम के मिजाज बदलने लगे। हड्डियों का कंपकपा देने वाला टेम्परेचर और भयानक हवा चल रही थी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि इस टाउन में रहने वाले लोगों ने आज तक कहीं भी इस तरह के तूफान के बारे में नहीं सुना था। दिल को दहला देने वाले इस खतरनाक तूफान ने अपने रास्ते में आने वाले सभी घर और फसलों को बर्बाद कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि तूफान की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था। दोस्तों, ये सभी चीजें क्यों हुई इस बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि तूफान अकेले इस टाउन में ही नहीं आया था बल्कि इसके आसपास के टाउन में भी आया था। लेकिन इस टाउन को छोड़कर बाकी सभी आसपास की जगहों पर यह तूफान बहुत धीरे आया था। इसी वजह से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रू में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से सैंडस्टॉर्म ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस बात की तह तक जाने के लिए इस जगह की मिट्टी की जांच भी की, लेकिन यहां पर असल में क्या हुआ था किसी को पता नहीं चल पाया। पिरामिड शेप चाइनीज बुरियाल। दोस्तों, मार्च 2017 को आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना के जैंगजुआओ में एक बहुत ही मिस्टीरियस पिरामिड शेप का टॉम्ब ढूंढा है, और जब इस टॉम्ब पर रिसर्च हुई तो पाया गया कि हैन डायनेस्टी का है ये। दोस्तों, अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, इस डायनेस्टी को चाइना का गोल्डन ईयर भी कहते हैं, जो कि 202 BC से 220 AD तक चला था। इस पिरामिड की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर को पिरामिड ऑफ जैंगजुओ के नाम से जाना जाता है, जो कि 6 फीट लंबा है। पर दोस्तों, रिसर्चर्स इस बात को पता लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब है कि इसे किसने और क्यों बनाया था और इसका शेप इस तरह पिरामिड जैसा क्यों है। दोस्तों, इन दो टॉम्ब में से पिरामिड शेप वाले को कॉफिन चैम्बर के अंदर ढूंढा गया है, और वहीं दूसरे का शेप आधे सिलेंडर जैसा है। यहां मौजूद चैम्बर 30 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, जिसे पहली बार देखने पर हर कोई हैरान रह जाए। पर किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि इसका यहाँ होने का मतलब क्या है। इसे देखकर यहाँ रहने वाले एक शख्स ने तो ये भी कह दिया कि पूरी तरह से चमत्कारिक है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। दोस्तों, जिस समय का ये टॉम माना जा रहा है, उस समय चाइना की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में इस तरह के टॉम उस समय बनाने का क्या मतलब था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेंज मिथिकल बाथरूम टाइल बीस्ट। अब दोस्तों, आप इस अनोखी डिस्कवरी के बारे में जानकर पूरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी के आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉटॉल्ड इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जब खोज की तो उन्हें वहां एक कैस्पिट यानी कि कूड़ा डालने वाले गड्ढे में तरह तरह के अमूल्य आर्टिफैक्ट्स मिले, जिनमें सोने की अंगूठी के अलावा भी काफी एंटीक चीजें थी। हमें पता है कि कूड़ा डालने वाली जगह में इस तरह की अमूल्य चीजें मिलना काफी आश्चर्य की बात है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी आश्चर्य को लेकर वैज्ञानिक भी असमंजस में है, क्योंकि उन्हें जिस कैस्पिट में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसमें काफी समय तक ह्यूमन वेस्ट डाला जाता था। अब आप समझ जाइए कि ये किस तरह की जगह होगी और कोई इंसान कैसे इतनी अमूल्य चीजें इसमें डाल सकता है। ये काफी सोचने वाली बात है, और इन्हीं बातों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने जब इस जगह के फ्लोर टाइल्स को ध्यान से देखा तो ये पता चलता है कि टाइल्स 1350 से लेकर 1390 के बीच में बनाया गया होगा, क्योंकि टाइल्स में हुई कलाकारी उसी समय में होने वाली चीजों को दर्शाती है। रॉयल स्टोन हेड। दोस्तों, अगस्त 2019 को जब आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लैंड में मौजूद डॉरसेट में अपनी खोज कर रहे थे,
तभी उन्हें 14वीं शताब्दी का स्टोन हेड मिला। अगर हम डॉक्टर जूलियन के शब्दों में कहें तो उनका ये कहना है कि इस स्टोन हेड का मिलना जवाब मिलने से ज्यादा कई सारे सवाल खड़े करता है, जिसको सुलझा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली चीज तो इस स्टोन हेड को देखकर ये पता ही नहीं चल पा रहा कि ये कौन है। यहां तक कि इस स्टोन हेड का जेंडर तक वैज्ञानिक जानने में असमर्थ है। हालांकि कार्बन डेटिंग के अनुसार ये पता लगाया गया है कि ये स्टोन हेड 1340 के आसपास का है और इसकी हेयर स्टाइल एडवर्ड सेकंड से मिलती जुलती है। पर हेयर स्टाइल इतनी ज्यादा जेनरिक है कि ये किसी राजा से ज्यादा किसी रानी का स्टोन हेड लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई जनरल रॉयल फिगर हो जिसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से इसका स्टोन हेड बनाया गया हो। दोस्तों, 888 में महिलाओं के लिए एक पहला रिलीजियस हाउस बनाया गया था, लेकिन 1539 में हेनरी विल ने इसे रद्द कर दिया और ये बिल्डिंग जहां से ये स्टोन हेड पाया गया ये 1550 में पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इन्हीं सब दुविधा में किसी को पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये स्टोन हेड किसका है और इसे क्यों बनाया गया था। थ्री वेल रॉक। दोस्तों, हिम सैम वॉन या फिर थ्री वेल रॉक 175 मिलियन साल पुराना रॉक फॉर्मेशन है जो कि नॉर्दर्न ईस्ट थाईलैंड में मौजूद है, जिसे जब आप आसमान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तीन बड़ी बड़ी वेल जंगल में तैर रही है। दोस्तों, ये जगह काला रेन फॉरेस्ट, फ्यूसिंग फॉरेस्ट और पिंग डोंग फॉरेस्ट के आसपास है, यानी कि यहाँ से आपको प्रकृति की असीम खूबसूरती देखने को मिलेगी और इस शानदार नजारे को देखने के लिए आप कई अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, जहां पहुंचते ही आप मैकोंग बीचेस से लेकर पकारडिंग डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन्स तक जैसे खूबसूरत जगह देखेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो सब कुछ प्राकृतिक है, तो भला वैज्ञानिक किस बात को समझने में गच्चा खा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो वेल की तरह बने हुए रॉक फॉर्मेशन है, यही वैज्ञानिकों को चिंता में डाले हुए है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इन अनोखे वेल टाइप स्ट्रक्चर को बनाया क्यों गया है। यानी कि अगर इसे इंसानों द्वारा बनाया गया तो इस तरह की चीज बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं तो भी इस तरह की एक जैसी शेप तीनों पत्थरों की होनी बड़ी मुश्किल है, और ये सारी चीजें वैज्ञानिकों को चिंता में डाले हुए है। बाकी आपको इनका शेप देखकर क्या लगता है, क्या इन्हें इंसानों ने बनाया या फिर ये प्रकृति की देन है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अ ब्रूटल एंड। दोस्तों, हाल ही में अभी एक स्टडी पब्लिश की गई जिसके अनुसार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोगों के चेहरे को खराब करके उनको सजा देने की प्रथा सालों पहले काफी ज्यादा चला करती थी, और ये बात तब साबित होती है जब इंग्लैंड में करीब 1100 साल पुरानी एक महिला की खोपड़ी मिलती है जिसकी नाक और ऊपर के होंठ दोनों ही गायब हैं। और ये उस तरह का गायब नहीं है कि किसी को बचपन से इस तरह की समस्या हो। जी हाँ दोस्तों, स्कल को देखकर ये चीज साफ है कि इस महिला की नाक और ऊपर के होंठ को किसी धारदार चीज से इसकी बॉडी से निकाला गया है। इन घावों के ठीक होने का भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, जिसका साफ मतलब है कि मरते समय महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई थी, जिससे बात साफ है कि जिस किसी ने भी ऐसा किया था उसने जरूर किसी चीज की सजा देने के लिए महिला को इतनी बुरी सजा सुनाई। अब दोस्तों, इस बारे में हम पुख्ता तौर पर तो नहीं बता सकते कि महिला ने क्या किया था और इसे इस तरह की मौत क्यों दी गई, लेकिन एक बात जरूर है कि जितना कुछ भी वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर पता चला है वो ये कि जब इसकी मौत हुई तो ये मात्र 15 से 18 साल के बीच की रही होगी, यानी कि अपनी मृत्यु के समय ये लड़की काफी यंग थी। बाकी इस तरह की पनिशमेंट उस समय किस आधार पर दी जाती थी, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। अनयूजुअल प्लेस्ड कॉर्पसेस। दोस्तों, स्पेन में एक अल्मेजॉन नाम का टाउन है जहां पर 5,500 लोग रहते हैं, पर यह हाल अभी का है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेडिवल टाइम्स में यह पॉलिटिकल हब हुआ करता था जहां पर कई सारे हिस्टोरिकल फिगर आया जाया करते थे, और यहीं पर मुस्लिम क्षेत्र पर आक्रमण करने की रणनीति भी तैयार की जाती थी। ऐसे में दोस्तों, जब पुरातत्व विभाग वाले लोगों का इस जगह पर इंटरेस्ट बढ़ा तो उन्होंने यहाँ खोजबीन की, जिसमें उन्हें 22 लाशें मिली, जिनमें से 11 तो टाउन के स्टोन वॉल में दफन थी, और रिसर्चर्स का ये मानना है कि वो दीवार 1128 में बनकर तैयार हुई थी। यहाँ तक कि ये लोग इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है और कई सारी लाशें यहाँ पर दफन हो, लेकिन बात यहाँ पर यह पड़ रही है कि जब यहाँ रखा स्टोन 19वीं शताब्दी के अंत में हटाया गया तब से वो गायब है।
जिसमें इस टाउन के बारे में कई सारी जानकारियां थी जो इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन अफसोस वो स्टोन गायब है और किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि स्टोन गया तो गया कहां। हालांकि कुछ पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि इस जगह में शासन करने वाले शख्स का नाम अफोंसो था। इसके अलावा और कुछ भी इस टाउन के बारे में बिना स्टोन के पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ढंग से कुछ बता नहीं पाते हैं। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।